बाबा चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, बाबा चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। वीरांदा भी मत घबराना, मेरे पीछे सर घबराना, वीरांदा भी मत घबराना, मेरे पीछे सर घबराना, वीरांदा भी जिंदाबाद, 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 वीरांदा भी। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। बट को चाहे जहाँ काम होगा, सिर्फ यहाँ ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821709996। पंजाब कबड्डी से कैसा हो, वीरांदा भी जैसा हो, वीरांदा भी मत घबराना, वीरांदा भी मत घबराना, वीरांदा भी मत घबराना, वीरांदा भी मत घबराना, अगर नहीं है टक्कर में, चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में, वीरांदा भी मत घबराना, मेरे पीछे सर घबराना, वीरांदा भी जिंदाबाद, 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 वीरांदा भी जिंदाबाद, 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 वीरांदा भी जिंदाबाद, 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 वीरांदा भी मत घबराना, मेरे साथ है, वीरांदा भी ¡Gracias!
नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव, मैं हूं फहीम। इस वक्त रघुनाथपुर प्रखंड से चक्री पंचायत से एक ऐसी महिला जो चक्री पंचायत से बीडीसी प्रत्याशी हैं, जो पहली बार यहां से आप चक्री पंचायत से नॉमिनेशन करने के लिए जा रही है, उनके पति राजू जी भी इनके साथ मौजूद है, काफी तादाद में महिला इनके साथ ब्रिगेडियर है। आप समझ सकते हैं कि आजकल जो बिहार का पंचायत है और नीतीश कुमार वहां के मुखिया, उनका मानना है कि महिला को 50% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तो वही इस यहां पर जो है किरण देवी पहली बार जो है यहां चक्री पंचायत से बीडीसी प्रत्याशी बनने जा रही हैं। उन्होंने अपना निर्णय, काफी तादाद में इनके साथ महिला है, अब की बार उन लोगों के इतना जोश और खरोश है, काफी लोगों में इतना उत्साह है कि चक्री पंचायत से अगर किसी को बीडीसी बनाना है तो वो है किरण देवी। मैं खुद उनसे जानना चाहूंगा कि किरण देवी जी, आप बताया जा सकता कि चक्री पंचायत से आप बीडीसी पद के लिए नॉमिनेशन करने के लिए जा रही है, अगर आज यहाँ की जनता आपको जिताती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी? सभी जानता के हम गोच के प्रणाम करते हैं, सबसे हमारे ये उम्मीद बा जो हमारे को आशीर्वाद मिलो, हमारे को जिताई लो, जो पद से जीता के हमारे को लेके आए लो, हम जीत के आए तो हम बहुत कुछ विकास करें, अपना चक्री पंचायत के बहुत कुछ विकास करें। हमारा चक्री पंचायत में कुछ भी विकास नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो वर्तमान बीडीसी हैं उन्होंने इस पंचायत का कोई विकास नहीं किया? नहीं किया। तो मैं उनके पति राजू जी से पूछना चाहूंगा कि आप बताएं जरा सा कि राजू जी, आप चक्री पंचायत से अपने पत्नी को प्रत्याशी बनाए हैं बीडीसी से, वर्तमान आपकी पत्नी का आरोप है कि वर्तमान बीडीसी है पर आरोप लगा कि कुछ भी नहीं किया है, क्या कहना है आपका? आपको नमस्कार करते हैं, उसके बाद अपने देवता तुल्य जनता को सभी को गोर छूकर प्रणाम करते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो हमारे पंचायत में कुछ हुआ नहीं है आज तक, 5 साल के बीच में जो भी वर्तमान बीडीसी हैं आज तक 5 साल के अंदर में नहीं आए हैं। अभी जो चुनाव आया है इसके बीच में वो घूम रहे हैं, कर रहे हैं, झांसा दे रहे हैं कि ये काम करेंगे वो काम करेंगे, बीच में कुछ भी काम नहीं किए, हमारे देखने से कुछ भी काम नहीं हुआ है। हम आएंगे, पूरे विश्वास दिलाते हैं, जनता के बीच में हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये लोग हमको जिताएं, जिताने के बाद हम पूर्ण रूप से विकास करेंगे, जितना भी होगा हम विकास करेंगे। मैंने सरकार की जितनी भी योजना है उस सारी चीजों को धरातल को उतारने का आप काम करेंगे? जी जी, काम करेंगे पूरा, हमारी जनता अगर हमारी साथ रहेगी, हमको सपोर्ट देगी तो हम एकदम बिल्कुल काम करेंगे। 5 साल के अंदर में कुछ भी नहीं हुआ है, हम करेंगे। क्या वजह रही है आपके कहना होगा कि यह अगर यहाँ की पंचायत आप किरण देवी पर विश्वास अगर करती है तो युवा के लिए क्या करेंगे, हेल्थ पर क्या करेंगे, एजुकेशन पर क्या फोकस रहेगा? एजुकेशन पर हम बच्चों पर ध्यान देंगे, स्कूल पर ध्यान देंगे कि बच्चे पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। और जो भी हमारे हेल्थ में बुजुर्ग लोग हैं उनको तकलीफ हो रहा है, जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि मतलब उन लोगों को जितना हो सके हम उन लोगों को सुविधा दिलाएंगे, जितने के बाद यही हम आशा देते हैं कि पूरा लोग को हम काफी तादाद में महिलाएं में उन लोगों से भी जाना चाहूंगा, बताएं आप जरा सा कि अगर किरण देवी जी जीतती हैं तो यहाँ के लिए कितना मतलब की साक्षात होंगी? बहुत ज्यादा, हम बहुत विश्वास करते हैं इसे, और प्लस ये बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं, एजुकेशन पे भी, प्लस गांव में भी बहुत विकास तरीके से बात करते हैं, हर चीज पे आते हैं, अपना जो भी सामूहिक जो भी सामूहिक चीज होता है उसमें आते हैं, अपना राय रखते हैं, सबको हमको आगे बढ़ने की शिक्षा ज्ञान देते हैं। इस तरीके से अगर हम करें तो गांव का विकास होगा। आपका मानना है कि एजुकेशन पर सबसे ज्यादा इनका फोकस रहता है, बच्चे अगर पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, देश के नींव है ये? जी जी, ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत सोचते हैं, बुजुर्गों के लिए भी बहुत सोचते हैं, हर तरीका से ये सही है, इसलिए हम चाहते हैं इस बार यही जीते। तो आप देख रहे थे कि चक्री पंचायत से एक ऐसी प्रत्याशी किरण देवी, पति राजू जी जो है काफी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात रख रहे थे कि अगर हमें यहाँ की जनता अब यहाँ से चुनाव अगर जिताती है तो मैं इस पंचायत का फिर से एक बार यहाँ से आदर्श पंचायत बनाने का काम करूंगा, जो भी सरकार की योजनाएं होंगी उसको धरातल पर उतार के हर घर तक वहाँ पहुंचाऊंगा, किसी तरह के कोई असुविधा का नाम यहाँ नहीं होगा, जिस तरह से प्रेजेंट जो है बीडीसी पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने किसी तरह का कोई काम नहीं किया।
अभी सब वैक्सीन का भी योजना नहीं हुआ है, तो अभी हमारे पास पैसा उतना था नहीं, जितना पैसा था उतना काम कर चुके हैं गली गली का रोड का। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करना चाहेंगे कि फिर हमको मौका दे, फिर हम सेवा करते रहेंगे, काम करते हैं, ठीक करते रहेंगे। आप देख रहे थे कि बलुआ पंचायत से आशा देवी पिछले 5 साल से जो है चुनाव जीत कर मुखिया थी, और फिर एक बार जो है नॉमिनेशन करके दोबारा क्षेत्र की जनता का विकास करने के लिए वादा कर रही हैं कि मैं अगर इस बार चुनाव जीतती हूं तो अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगे, स्ट्रीटलेस पंचायत बनाऊंगे। अगर जो है वहाँ पर हेल्थ पर फोकस रहेगा, एजुकेशन पर फोकस रहेगा कि अगर बच्चे वहाँ से पढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे, देश का न्यू अगर कोई है तो वह है एजुकेशन से बच्चे पढ़ेंगे। आप खुद जान रहे हैं कि जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं। सिवान का जाना पहचाना वीआईपी अल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा खिड़की स्लाइडिंग पीवीसी डोर यूपीबीसी विंडो सहित अल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है, साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास सिवान, प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद, मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ, आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18 अस्पताल मोड़ सिवान, मोबाइल नंबर 9006273666।